Subscribe to Shimaru Indian TV Classics and press the bell icon to never miss any updates. ये दुनिया कैसी भी है ऐसी ही थी ऐसी ही रहेगी ये दुनिया गजब की ये दुनिया गजब की आप सोचें जितना बस फर्क इतना कभी ये थोड़ा ज्यादा कभी वो थोड़ा कम कभी इसकी चली ठोस कभी उसकी धमाधम खुद मियां फजीहत औरों को नसीहत तेरे मुंह पे ये तेरी सी कहेगी ये मेरी सी कहेगी ये ऐसा भी कहेगी ये वैसा भी कहेगी ये दुनिया गजब की ये दुनिया गजब की ये जैसी आजकल है ये ऐसी नहीं कब थी ये दुनिया गजब की ये दुनिया गजब की ये क्वीन है हाँ। ये लाल क्वीन पे तेरा निशाना क्यों नहीं लगता लगेगा 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 इनका निशाना सिर्फ इनकी पार्ट टाइम पर लगता है बस देखिए मिस्टर मेरे जाति मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है नहीं देते हमारा क्या पटेल जी क्वीन कैसे ली जाती है देखिए स्टाइल्स ए ए ए ये क्या कर रहा है रिबाउंड ले रहा हूं अरे क्यों रिबाउंड मारता है यार डायरेक्ट मारना सीधे नहीं गई ना क्वीन यार इसीलिए मैं तुम्हें अपना पार्टनर नहीं बनाता तुमने पहले ही टोक दिया था नरेंद्र जी जी आज तो मजबूरी है आपकी मैडम जो नहीं आई ना अरे वो आती तो ये खेलने थोड़े आते हैं अब आप नहीं दे रहे मेरे साथी मामलों में दखल क्या बात है नहीं खेलने का चल नहीं खेलने का ये क्या यार हारने लगे तो पूरा गेम बिगाड़ दिया अरे भाई लोग सुनो आप लोगों ने ये मोहन जी का प्रमोशन हो गया हां भाई गॉड माय गॉड तो फिर उखाड़ू देव की बाबू की तख्ती अरे पहले हथौड़ी तो सेंक्शन हो जाने दे यार अरे मुझे पहले ही पता था विजय मोहन जी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है बहुत बढ़िया आदमी है सुनो लोग सामने तो चमचागिरी करते हैं तुम पीछे भी नहीं छोड़ते इसीलिए तो इस चमचे को जंग नहीं लगती देखो पटेल अपनी जुबान को लगाम दो हाँ हेलो हाय बाबू आपकी पार्टनर है कह दो मैं नहीं हूँ कह दो हेलो हेलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग क्या बात है मैडम चार्ली चैपलिन की फिल्म देखकर आ रही हूँ मॉर्निंग शो इनकी छुट्टी थी ना मुन्ने को लेके जा रहे थे मैंने कहा मैं भी देख लूँ हाफ क्या जोली तो जाएंगे ओहो मैं भी हाफ लीव ले लेता ना फिल्म देखने चलता आपके साथ तीन दिन से तो हाफ लीव लेते रहे हो अरे जब बॉस का पता ही नहीं है तो कोई ऑफिस में जल्दी आके करेगा क्या गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर कांग्रेचुलेशंस थैंक यू भारत थैंक यू अरे देखिए आप सब लोग एक बात ध्यान से सुन लीजिए चापलूसी करने से कुछ नहीं होता आज तक इस दफ्तर में जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए क्योंकि देवकी बाबू ने यहां का माहौल बिगाड़ के रखा था लेकिन अब मैं आ गया हूं और मेरे लिए वर्क इज वर्शिप ओके ये नेम प्लेट अभी तक यहां लगी हुई है इसे निकालिए और मेरी नेम प्लेट लगाइए अभी सर लेकिन आपने हथौड़ी सैंक्शन नहीं की है आप रिक्वेस्ट दीजिए मैं सैंक्शन कर दूंगा एक रिक्विजिशन लेटर टाइप कीजिए हथौड़ी सैंक्शन करने के लिए राजकुमार जी वो टिश्यू पेपर कुंवर साहब दवाई नहीं खा रहे हैं क्यों वो कह रहे हैं कि जब तक आप दवाई अपने हाथ से नहीं खिलाएंगी वो नहीं खाएंगे उनसे जाकर कह दो कि मैं उनकी अम्मा नहीं हूँ ये बात तो वो खुद भी जानते हैं क्योंकि उनकी अपनी अम्मा उनके बचपन में ही गुजर चुकी हैं आप चल के दवाई खिलाइए ना मुझे फुर्सत नहीं है कि मैं जाकर उनको दवाई खिलाऊं लेकिन अगर मगर अगर आपने दवाई नहीं खिलाई तो वो उनको कुछ तो भी उन्हें कुछ नहीं होगा और वैसे भी वो बीमार कुछ नहीं है समझे क्या बात कर रही हैं आप बीमार कैसे नहीं है अरे दिन भर तो खांसते छींकते रहते हैं आप कहते हैं बीमार नहीं है उन्हें कुछ नहीं हुआ एंड नाउ डोंट डिस्टर्ब मी मुझे हॉस्पिटल जाना है हॉस्पिटल अरे हमारी डॉक्टर बेटी को क्या हो गया नौकरी ढूंढने की बीमारी हो गई है पप्पा एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल अप्लाई करने के लिए चक्कर लगा रही हूँ
शायद कहीं नौकरी मिल जाए। बस यही तो चक्कर है, एक बार जिसने अप्लाई किया समझो उसका काम हमेशा के लिए रुक गया। सीखो बेटी सीखो, निहाल के तजुर्बे से कुछ सीखो और ये नौकरी वोकरी का झंझट छोड़ो और अपना ही हॉस्पिटल खोल दो। पापा हॉस्पिटल खोलने के लिए जगह की भी तो जरूरत होती है। अरे लो इतना बड़ा महल पड़ा हुआ है, किसी भी कोने में बोर्ड लगा दो, मरीज आना अपने आप शुरू हो जाएंगे। हेलो अंकल। लो आ गया तुम्हारा पहला मरीज। हाय एवरीबॉडी। इन्हें डॉक्टर की नहीं आया की जरूरत है। अच्छा पापा मैं चलती हूं। ओके बाय बाय। शुभांगिनी जी कहां जा रही है? शुभांगिनी जी हॉस्पिटल जा रही है। मुझे दवाई खिलाए बिना वो कह रही थी कि अब आपको दवाई की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं स्विमिंग करने जाऊं अंकल? नहीं। क्यों? सारा पानी खराब कर दोगे। क्यों? जुकाम हो गया ना बेटे तुम्हें। वैसे भी टिश्यू पेपर है, पानी में गल गया तो? कुछ नहीं हुआ है अंकल। तुम कहीं नहीं जाओगे, अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम्हें खोया पाया विभाग में ले जाकर जमा करवा दूंगा। लॉस्ट बट नेवर फाउंड, थैंक गॉड। आ गई हथौड़ी। मिस्टर अमरी लीजिए हथौड़ी और उखाड़ दीजिए देव की शरण की नेम प्लेट को। नहीं राम बाबू, देव की शरण की नेम प्लेट पे मुझसे हथौड़ी नहीं चलाई जाएगी। अरे अमृत तू खाम कहीं सेंटिमेंटल हो रहे हो यार, जब देव की बाबू इस दफ्तर में रहे ही नहीं तो क्यों नहीं चलाओगे हथौड़ी? हैं? तो आप ही चलाइए ना हथौड़ी। मैं ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? सर वो देव की शरण जी की नेम प्लेट उखाड़ी आ रही है। अच्छा अच्छा काफी मजबूती से लगी हुई है नेम प्लेट। अरे भैया 30 साल से जमे थे यहाँ देव की शरण बाबू। रिज बाबू लगाइए और जोर। ये तुम लोगों के बस का रोग नहीं, दयाल को बुलाओ। दयाल ये हथौड़ी लेकर नेम प्लेट निकाल दो। क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ देवकी बाबू मेरे नेम प्लेट से कुश्ती क्यों लड़ रहे हैं? वो क्या है देवकी बाबू कि अब यहाँ का इंचार्ज मैं हो गया हूँ, इसलिए आपकी नेम प्लेट तो निकालनी पड़ेगी। ये गलत फहमी तुम्हें कब से हो गई विजय मोहन कि तुम यहाँ के इंचार्ज हो? गलत फहमी नहीं देवकी बाबू, हकीकत बयान कर रहा हूँ। यानी कि देवकी बाबू का तबादला अभी नहीं हुआ? लेकिन यहाँ का इंचार्ज अभी भी मैं ही हूँ। जी नहीं, मुझे प्रमोशन देकर आपकी जगह नियुक्त किया गया है। अरे जब मैं यहाँ से गया ही नहीं तो तुम नियुक्त कैसे हो गए? अरे वाह, आप तो तबादला होकर चले गए थे। था, लेकिन फिर से तबादला होकर यहीं पर आ गया हूँ। विजय मोहन तुम्हारे प्रमोशन की खबर छूटी है। मैं यहाँ प्रमोशन पर आया हूँ, आप हटिए रास्ते से। अरे ऐसे बाहर देखे हमने प्रमोशन वाले, हटो रास्ते से। अरे ये मेरा कमरा है। हाथी लड़ रहे हैं अंदर। विजय मोहन अगर मैंने तुम्हें डिसमिस करा दिया तो मेरा नाम देव के
सतीश शरण नहीं। देवकी बाबू, अगर मैंने तुम पर मानहानि का दावा नहीं किया तो मेरा नाम भी विजय मोहन नहीं। बाय गॉड, दोनों ने अपनी अपनी कमीज फाड़ ली। अरे अच्छा ही है ना, इसी बात में विजय मोहन जी को नई कमीज खरीदनी पड़ेगी। पिछले छह महीनों से एक ही कमीज में देख रही है। भाई एक नया आइडिया आया है, हमारे बॉस लोग तो झगड़े में बिजी है, तो हम क्यों नहीं नून शो देखने चले, खून के आंसू। और इसलिए आप दोनों फटेहाल कपड़ों में मेरे दफ्तर चले आए। सर देखिए, मेरे जूनियर है, इन्होंने मेरे क्या नशा किया सर। नो आई एम नॉट ए जूनियर सर, आप ही ने तो मेरा प्रमोशन ऑर्डर साइन किया सर। ये देखिए, यस यस यू बीन प्रमोटेड। बस यही बात तो सर मैं इन्हें समझा रहा था, तो इन्होंने मुझसे हाथापाई की। सर आपने मेरा ये तबादला भी कर दिया सर। हाँ तो आपका तबादला हो चुका है, यू बीन ट्रांसफर्ड। सर यही बात तो मैं इनको समझा रहा हूँ सर। अरे भाई आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है भाई, आपका जहाँ मैंने प्रमोशन किया है वो सेक्शन आप संभालिए, और आपका जहाँ तबादला जहाँ ट्रांसफर किया है वो सेक्शन आप संभालिए। गो ऑफ 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 यू गो। अब मेरी मंत्री महोदय से मीटिंग है, आप लोग जाइए, मेरे पास वक्त नहीं है। लेकिन सर मेरा प्रमोशन जिस डिपार्टमेंट में हुआ है वही मेरा तबादला हो गया सर। सर अरे लेकिन ये 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 दोनों दस्तखत हमने किए कब? सर वो आप राजा साहब के आए थे सर, वो आपने मुझे भी तो वही बुलाया था सर। मिर्ची मिर्ची पानी पानी। अरे मत याद दिलाइए, वो याद आते ही मुंह में फिर मिर्च लगने लगते हैं। कितने मिर्च डाले थे उन बेवकूफ बावर्चियों ने उन पकोड़ों में। इसका मतलब है कि हमने गलत पेपर साइन कर दिए, क्या करें क्या। हाँ तो ठीक है, हम आपका जो प्रमोशन है वो कैंसिल किए देते हैं। लेकिन सर आप तो प्रमोशन ऑर्डर साइन हो चुके हैं। ओह, उसकी ऑर्डर साइन हो चुके हैं, तो ठीक है हम आपका तबादला कैंसिल किए देते हैं। सर तबादले पर भी आपके साइन हो चुके हैं सर। उसके भी तो अब करें। वेरी सिंपल, आप दोनों उस डिपार्टमेंट के हेड बन जाइए, आप भी इंचार्ज हो जाइए और आप भी इंचार्ज हो जाइए। क्यों? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सर हम अभी आप ही की बात कर रहे थे। सर आज आप दोनों थोड़ी देर से आए। नहीं भाई, मैं तो हेड ऑफिस से आ रहा हूँ, और औरों का मुझे पता नहीं। सर आजकल आप दोनों में से हमारे सेक्शन का इंचार्ज कौन है? मैं हूँ, और कौन है? और मैं भी हूँ। दोनों है। माय गॉड, चमचागिरी करने वालों की तो हालत ही खराब हो जाएगी ना। क्यों भाई? समझ में नहीं आएगा ना किसे खुश रखे और किसे नाराज। पानी पानी ठंडा है ना? नहीं, मटके का है। मटके? वही मटके जो निहाल ने दिलवाए थे। दादी नमस्कार। आगे चलो, हमेशा की तरह आज भी। नमस्कार दादी, क्या हाल है निहाल? दुआ साहब आपकी, अब तो हमारा काम छोटे साहब ही करवाएंगे। छोटे साहब तो नहीं रहे भैया। बाय गॉड, बाय गॉड। कब गए? कल। कोई बीमारी थी उनको? अरे यार अब छोटे बाबू की पोस्ट नहीं रही, वैसे विजय मोहन जिंदा है। लेकिन राम बाबू कह रहे थे कि वो तो। अरे यार चुप भी करो, देखते नहीं टोटल कर रहा हूँ मैं। यार इधर आ जाओ भैया, यहाँ आओ, हम कभी टोटल नहीं करते। आओ। जी क्या है, हमारे छोटे साहब जो है ना वो बड़े साहब बन गए। हाँ, तुम्हारा काम फौरन हो जाएगा। अच्छा, निहाल, 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 बड़े साहब से मैं खुद बात करूंगा। मैं तुम्हें जमीन चाहिए ना? अरे नहीं साहब जी, हमें इनाम की रकम चाहिए, इनाम की रकम। अच्छा, अरे निहाल तुम कब आए? जी अभी आया जी। तुम्हारा काम बस हो गया समझ लो, मैं वहीं जा रहा हूँ, ओएसडी साहब से मिलने। अच्छा। अरे निहाल तुम, अरे साहब जी आप यहाँ? हाँ निहाल, मैं यहाँ का इंचार्ज बन करके फिर से आ गया हूँ। नहीं निहाल, अब यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ, तुम्हें जो कुछ कहना हो मुझसे कहना। नहीं निहाल मुझसे कहना। साहब जी आप दोनों तो हमारे लिए बराबर के साहब जी हैं। निहाल जमीन तुम्हें मैं दिलवाऊंगा। उसे जमीन चाहिए ही नहीं। निहाल तुम्हें इनाम की रकम मैं दिलवाऊंगा। निहाल तुम इनके भरोसे मत रहना, मेरे अलावा तुम्हारा काम कोई नहीं करवा सकता। निहाल तुम इन धमकियों में मत आना, अब यहाँ का इंचार्ज मैं भी हूँ।
चलो मेरे साथ। यजमान मैं तुमसे सीनियर हूँ, निहाल मेरे साथ जाएगा। देव की बाबू पहले वो मेरा क्लाइंट है, छोड़ दीजिए उसे। नहीं पहले मेरा क्लाइंट है। मेरा मेरा सुना नहीं मेरा। अरे मैं जो कह रहा हूँ मेरा। अरे छोड़िए मेरा, ये जाने दीजिए, छोड़िए आप निहाल। लेकिन हाँ जब वो मक्खी आए ना तो हम कहेंगे कि आई, तो आप क्या करेंगे, आप फौरन जिस मुद्रा में है उसी मुद्रा में फ्रीज हो जाएंगे। क्या करेंगे, फ्रीज हो जाएंगे, नहीं तो क्या होगा कि जो मक्खी है ना उड़ जाएगी, उड़ जाएगी। अरे साहब पता है आपको, इस कमरे में एक मक्खी मारना एक जंगल में आदमखोर शेर को मारने के बराबर है। वो तो है। आपके घर में मक्खी है? मक्खियां तो हर जगह होती है सर, होटलों में, घरों में, बाजारों में, रेस्टोरेंट में, थिएटरों में। आई क्या आई सर? मक्खी बिल्कुल हिलना मत, जड़ हो जाइए एकदम, फ्रीज। तुम्हारे गाल पे बैठी है। अरे उड़ गई, फिर भाग गई। ठीक है बच्चू, जाएगी कहां, आज तो तुझे मैं मार के ही छोड़ूंगा। हाँ आप किस लिए आए थे? ओह रिलैक्स रिलैक्स, ऑफ ऑफ, बैठ जाइए। क्या कह रहे थे आप? सर वो ये गर्मी बहुत है ना। नहीं सर ऐसी बात नहीं, वो निहाल पे मक्खी दोबारा। ओह मैंने कुछ जोर से ही मार दिया लगता है, वेरी सॉरी। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं सर, मेरे बचपन में मेरे दादाजी ने एक बार इतनी जोर से तमाचा मारा था सर कि भाई तो कुछ भी नहीं। खैर सर मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। कोई बात नहीं, बताओ काम क्या है? सर वो निहाल की फाइल में मुझे एक प्रॉब्लम नजर आ रही है जिससे आपके रेपुटेशन पर दाग लग सकता है। दाग यानी डॉट, डॉट नहीं ब्लॉट, ब्लेम ब्लेम। आई हिलना बिल्कुल हिलना मत, एकदम फ्रीज हो जाएगी, जड़ हो जाएगी एकदम, इस बार मैं फ्रीज हूँगा। मर गई सर, मर गई मक्खी। अरे मूलचंद के हाथ से बच के जाएगी कहाँ। आप क्या कह रहे थे, मुझे कोई क्लेम मिलने वाला है? क्लेम नहीं सर, ब्लेम 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 ब्लेम। आपके रेपुटेशन पर धब्बा लग सकता है। वो कैसे? आपने निहाल की एप्लीकेशन पर सिग्नेचर किए थे ना, जिसने उसने इनाम की रकम मांगी थी। तो सर उसने ऐसी ही एक और एप्लीकेशन इनाम की रकम के बजाय जमीन पाने के लिए लगा रखी है, जिस पर भी आप ही के सिग्नेचर हैं। अच्छा, और सर इंक्वायरी होने पर सवाल यह खड़ा होगा कि या तो इनाम पाने वाला सरकार को दोनों तरफ से उल्लू बना रहा है या फिर इसमें अफसरों की मिलीभगत है। लेकिन इसमें हमारी तो कोई मिलीभगत है ही नहीं, फिर भी यह सवाल उठेगा। सर अगर बात वाजिब है तो सवाल तो उठेगा ही। इसका मतलब यह हुआ कि यह निहाल जो है वो जानबूझकर हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहा है। सर या तो जानबूझकर कर रहा है या फिर देव की शरण के कहने पर कर रहा होगा। देव की शरण? जरूर देव की शरण ने कोई गुंतड़ा किया होगा, क्योंकि निहाल ऐसा लड़का है नहीं। लेकिन मैं देव की शरण को अब देख लूंगा। मैं आई कमिंग सर। आइए आइए। मैं तो बड़ी देर से बाहर आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहा था सर, मुझे क्या पता था कि विजय मोहन भी यहाँ जमे होंगे।
वो क्या है कि मैं आपको बुलाने ही वाला था। आप जाइए विजय मोहन जी, जाइए। अच्छा सर, आई भाग गई। अरे भाई जाओ विजय मोहन, पैर सो गया क्या तुम्हारा? नहीं सर, आपने कहा ना आई, वो मक्खी आई थी और मक्खियां आती रहेगी। तुम जाओ जाओ। बैठो बैठो देव की शरण, बैठो। थैंक यू सर। सर मेरे चेहरे पर भी आपको मक्खी नजर आ रही है क्या? मक्खी नहीं देव की शरण, मक्कारी नजर आ रही है। मक्कारी? मक्कारी? ये आप क्या कह रहे हैं सर, जरूर आपको विजय मोहन ने बरगलाया है, वरना मैं तो आपका भक्त हूं सर। सच कहता हूं कि आप जैसा आदर्श ऑफिसर मुझे 30 साल की नौकरी में नहीं मिला सर। एक भी नहीं मिला? एक भी नहीं सर। कहीं लोग ये ना समझे कि मैं आपकी चमचागिरी कर रहा हूं, इसलिए मैं आपसे आपका फोटो नहीं मांग रहा हूं सर। फोटो? फोटो किस लिए? पूजा करने के लिए सर, दीजिए ना। एक मिनट एक मिनट, शायद यहीं कहीं। हाँ हाँ मिल गया मिल गया। भाई देव की शरण, वो क्या है कि हमारे पास ये सिर्फ 2 तस्वीरें हैं, एक तो ये पासपोर्ट साइज है और दूसरी ये आइडेंटिटी कार्ड साइज है। ये आपको जो पसंद आया रख लीजिए। दोनों ही दे दीजिए सर। दोनों? प्लीज। बाबा वेरी हैंडसम सर। सर ये जो पासपोर्ट साइज फोटो है ना, ये मैं यहाँ रखूंगा अपने दिल के पास। और ये जो आपका मिनी साइज फोटो है सर, इसका ताबीज बनाकर अपने गले में लटका लूंगा सर। थैंक यू देव की सर। अरे हाँ ये बताइए, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? हाँ वो मुझे लगता है सर कि निहाल की भोली सूरत के पीछे छिपे असली चेहरे को आप पहचान नहीं पा रहे हैं सर। यू मीन निहाल के 2 चेहरे? हाँ सर, एक भोला और एक चालाक। ये बात है, लेकिन वो विजय मोहन तो हमें कह रहा था कि विजय मोहन की बुराई करने में नहीं आया हूं सर, मैं तो केवल आपको आगाह करने के लिए आया हूं। विजय मोहन का कैसा, वो तो निहाल का काम कर ही देंगे, लेकिन आप फंस जाएंगे। कैसे? क्योंकि निहाल दोनों तरफ से सरकार को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है सर। ओहो, तो ये बात है, ये बात है। काश हम निहाल के भोले चेहरे के पीछे छुपी हुई तेज निगाहों को देख सकते। आप तो केवल विजय मोहन को ऑर्डर दे दीजिए कि वो निहाल की फाइल पर साइन नहीं करे। एक्सलेंट आइडिया, हम अभी विजय मोहन को फोन करके बोल देते हैं कि वो दस्तखत करने से ही मना कर देते ना उसे। आप मना तो नहीं कर सकते ना सर। क्यों? क्योंकि आप इन्हें प्रमोशन देकर उसके पावर्स बढ़ाए हैं। ओहो, ये बात भी सही है, तो फिर हम करें क्या? कुछ मत कीजिए सर, विजय मोहन का ट्रांसफर कर दीजिए किसी और डिपार्टमेंट में। ये आइडिया अच्छा है, विजय मोहन का ही हम ट्रांसफर कर देते, तबादला कर देते। थैंक यू सर। आप जाइए 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 आप। निहाल, हमने निहाल को भरोसा किया और उसने हमें ही उल्लू बनाया। देख लूंगा। ये दुनिया गजब की, ये दुनिया गजब की, ये जैसी आज कल है ये ऐसी नहीं कब थी। ये दुनिया गजब की, ये दुनिया गजब की, तेरे मुंह पे ये तेरी सी कहेगी, मेरे मुंह पे ये मेरी सी कहेगी, ये ऐसा भी कहेगी ये वैसा भी कहेगी। ये दुनिया गजब की, ये दुनिया गजब की, ये जैसी आज कल है ये ऐसी नहीं कब थी। ये दुनिया गजब की, ये दुनिया गजब की।